पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र में बोरी चौकी में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई। माँ दुर्गा उत्सव एवं दुर्गा विसर्जन और दशहरा के दिन ग्राम बोरी में एक बाहरी व्यक्ति ने हंगामा एवं मारपीट का माहौल बना दिया था, जिसको प्रशासन ने हिरासत में लेकर के कानूनी कार्रवाई की। आगामी त्योहारों को देखते हुए ऐसा माहौल खराब ना हो, इसलिए बोरी चौकी में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें पुलिस और ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी लोगों ने अपने मत रखे और शांति बनाने की अपील की। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। सर, किस लिए मीटिंग रखी गई? आज अभी मुस्लिम त्यौहार ईद मिलाद उन नबी को ध्यान में रखते हुए ये शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, ताकि अच्छी भाईचारा बना रहे। तो क्या सर, ये शांति समिति की बैठक जो है अभी शांति बनी रहेगी, क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि हम हमेशा से साथ मिलकर त्यौहार मनाते आए हैं। जैसे हिंदू हैं मुसलमानों के त्यौहारों में शरीक होते हैं, या मुसलमान हैं वो हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं, तो आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा भाईचारा बना रहेगा। इसी मामले में ऐसा आपको उम्मीद है कि शांति बनी रहे? बिल्कुल, 100%। क्या नाम है? घनश्याम मिश्रा। किस लिए मीटिंग रखी गई? शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी, मुस्लिम पुलिस चाहे पूरी रूप से बैठे थे और सभी को समझाश दी गई है कि आने वाले त्योहारों में उपद्रव ना हो, ना लड़ाई झगड़ा हो, शांतिपूर्ण। क्या नाम लिखते हैं? हरी राम जी, सरपंच ग्राम पंचायत। धन्यवाद सर। किस लिए मीटिंग रखी गई? आज हमारे गांव में परसों दशहरा के दिन में एक बाहर का उपद्रवी आ गया, उसके कारण से हिंदू समाज में थोड़ा सा आक्रोश था। और चूँकि अभी साथ में ही त्यौहार लगा हुआ है मुस्लिम समुदाय का, तो हमारा सदियों से भाईचारा चला आ रहा है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, उसी को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये शांति समिति का आयोजन किया गया था कि सब लोग शांति से रहें और भाईचारे से रहें और एक दूसरे का। सर, दुर्गा उत्सव के पहले भी शांति समिति की मीटिंग हो सकती थी? अब ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि क्योंकि हम हिंदू समाज के लोग हैं, वैसे ही शांति से रहते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि शांति से सब लोग आगे क्या कुछ उम्मीद लगा के रखें आप? कुछ नहीं, हमारे यहाँ शांति ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग सब साथ में रहेंगे और उनका त्यौहार भी हम उतने ही अच्छे से मनाएंगे जितना कि हमने अभी दशहरा मनाया। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार खरे, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।